दोस्तों मैं गगनदीप आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी पर और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीसी कैंप्स के बारे में एनसीसी के द्वारा कौन कौन से कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं उनकी फुल फॉर्म क्या होती है उनका मोटो क्या होती है और वे कितने दिन के कैंप्स होते हैं इन सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं दो तीन बातें आपको बताना ज़रूरी समझता हूं पहली बात तो ये कि जो ये डेटा जो ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जा रही है ये एनसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट एन सी सी से प्रोवाइड की जा रही है तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो हंड्रेड वन करेक्ट है सेकेंड थिंग जब भी आप बी सर्टिफिकेट या सी सर्टिफिकेट का एग्जाम देते हैं तो वहां पर एनसीसी कैंप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पर ये वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है और अगर आप एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हैं या एनसीसी में नए नए एनरोल्ड हुए हैं तो आपको बी इन कैंप्स के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आप सभी के लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट है और आप बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं एंड तक देखिएगा इस वीडियो को अगर आप पूरी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं एनसीसी कैंप से रिलेटेड फर्स्ट कैंप ए या सी ए की फुल फॉर्म होती है एनुअल ट्रेनिंग कैंप सी की फुल फॉर्म होती है कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप इस पर मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाई है सी के ऊपर वैसे मैं बता दूं कि सी या एनुअल ट्रेनिंग कैंप या कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप सिर्फ एन डायरेक्टरेट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है इसमें डायरेक्टरेट के अंडर जितने कॉलेज या स्कूल होते हैं वही सभी इकट्ठे होते हैं दस दिन का कैंप होता है जिसके अंदर हम ड्रिल से लेकर वेपन ट्रेनिंग से लेकर मैप रीडिंग तक सीखते हैं ये सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होती है और थियोट्रिकल नॉलेज भी हम गेन करते हैं और पी वगैरह जो हमारी नॉर्मल दिनचर्या होती है फौजियों की नॉर्मल दिनचर्या होती है आर्मी पर्सनल की वो दिनचर्या हमको सिखाई जाती है और कैंप का हमको एक्सपोजर मिलता है सेकेंड इज सीओ सीओसी नेचर ये ऑल इंडिया नेचर के कैंप होते हैं एंड आर प्लांट बाई देडक्वार्टर डीजीएनसी और ये डीजीएनसी डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसी के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं इन कंसल्टेशन विद स्टेट एनसीसी डायरेक्टरेट स्टेट एनसीसी डायरेक्टरेट से कंडक्ट करके कंसल्ट करके जो इनको ऑर्गेनाइज करती है जो इनको कंडक्ट करती है सिलेक्टेड कैडिड्स एज पर दी वैकेंसीज अलोटेड टू ईच डायरेक्टरेट पार्टिसिपेट इन दीज कैंप्स इन कैंप्स के अंदर ऑर्गेनाइज करती है इन कैंप्स के अंदर पार्टिसिपेट करती है द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेंट्रली ऑर्गेनाइज कैंप्स आर कंडक्टेड ये होते हैं जो सेंट्रली ऑर्गेनाइज कैंप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं इनमें फर्स्ट सबसे पहला है नेशनल इंटीग्रेशन कैंप या फिर स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप एन और एस ये कैंप बहुत इंपॉर्टेंट कैंप होता है जैसा कि इसके नाम से पता चलता है नेशनल इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना ये एक नेशनल लेवल का कैंप होता है जिसमें सभी एनसीसी के सत्रह के सत्रह डायरेक्टरेट से कैडेट्स आते हैं सिलेक्टेड कैडेट्स आते हैं एक दूसरे से मिलते हैं एक दूसरे के कल्चर को सीखते हैं ये ज़्यादातर कल्चरल कैंप होता है इसमें ड्रिल की बजाय कल्चरल पर ज्यादा फोकस किया जाता है नेशनल इंटीग्रेशन कैंप एंड स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप्स आर कंडक्टेड टू मेक कैडेट्स अंडरस्टैंड एंड वैल्यू द रिच हेरिटेज ऑफ कल्चर दैट यूनिटी डिस्पाइट द डाइवर्स लैंग्वेज ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा देश इतनी विविधताओं के बाद भी जो उसमें एकता है इस बात को उजागर करने के लिए कैडेट्स में एनसीसी के कैडेट्स में एनआईसी या फिर एसएनआईसी ऑर्गेनाइज किया जाता है दिस कैंप्स आर कंडक्टेड कल्चरल स्टेट ऑफ इंडिया सेवन नेशनल इंटीग्रेशन कैंप आर कंडक्टेड एवरी ईयर सैंतीस एन आई सी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं एनसीसी के द्वारा हर साल इन एडिशन इसके साथ में सिक्स स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप होते हैं अब जो नेशनल इंटीग्रेशन कैंप होता है और स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप होता है तो स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन में ऐसा क्या स्पेशल होता है इनमें स्पेशल होती है जगह जहां पर ये ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जैसे हम देख सकते हैं कंडक्टेड इन द एक्सट्रीमिटीज ऑफ आवर कंट्री एट लेह श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर दीमापुर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन मैंने जो एस एन आई सी स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप पार्टिसिपेट किया था जिसमें दैट वॉज इन दीमापुर पटकई क्रिश्चियन कॉलेज इट वॉज वेरी गुड एक्सपीरियंस ठीक है नेक्स्ट इज पेडापुरम किनाडा में है ये एंड द बादाबाग जैसलमेर में एंड नेक्स्ट इज द लक्षद्वीप एंड पोर्ट ब्लेयर ये छह स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप होते हैं जो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं एनसीसी के द्वारा नेक्स्ट इज लीडरशिप कैंप लीडरशिप कैंप दो तरीके के होते हैं एक होता है बीएलसी बेसिक लीडरशिप कैंप एक होता है एएलसी एडवांस लीडरशिप कैंप सिक्स एडवांस लीडरशिप कैंप्स आर कंडक्टेड एवरी ईयर विच ए टोटल ऑफ तेरह सौ पचास कैडेट्स अटेंड दी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट लीडरशिप स्किल्स एंड ओरिएंटेशन फॉर इंडक्शन इन टू दी आर्म्ड फोर्सिस लीडरशिप कैंप एक्चुअली क्या होते हैं अगर मैं अपनी लैंग्वेज में इसको बताने की कोशिश करूँ और अगर मैं गलत नहीं हो तो ये एक एस एस बी की कोचिंग होती है एक तरीके से एस एस बी आपने सुनी होगी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हैं और ऑफिसर बनना चाहते हैं और अगर आप एनसीसी में हैं तो आप कोशिश करिए कि किसी ना किसी तरीके से आपको लीडरशिप कैंप में जाने का मौका मिले वहां पर ऑफिसर्स आते हैं जो बताते हैं एसएसबी के द्वारा किस तरीके से कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है इंडियन आर्म्ड फोर्सेज के लिए नेक्स्ट कैंप इज थल सैनिक कैंप टी बहुत ही प्रेस्टिजियस कैंप होता है जो आर्मी विंग के कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए टू टी आर कंडक्टेड एट हेडक्वार्टर डीजी एनसीसी कैंप दो टीएससी दो थल सैनिक कैंप ऑर्गेनाइज किए जाते हैं पूरे साल में दिल्ली कैंट परेड ग्राउंड में सितंबर अक्टूबर में एक एवरी ईयर इन सितंबर अक्टूबर में किए जाते हैं वन फॉर दस डीजेडी बॉयज एक तो थल सैनिक कैंप होता है जो बॉयज के लिए होता है और दूसरा किसके लिए होता है गर्ल्स के लिए होता है ये दो कैंप ऑर्गेनाइज किए जाते हैं टीएससी एक सीनियर डिवीजन और जूनियर डिवीजन बॉयज के लिए और दूसरा सीनियर विंग और जूनियर विंग गर्ल्स के लिए सिक्स हंड्रेड एंड एट्टी बॉय एंड सिक्स हंड्रेड एट्टी गर्ल्स कैडेट एक पार्ट इन द कैंप छः सौ अस्सी लड़के और छह सौ अस्सी लड़कियाँ कैडेट्स जो होती हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं हर एक कैंप में नेक्स्ट कैंप इज नो सैनिक कैंप जिस तरीके से आर्मी विंग के कैडेट्स के लिए थल सैनिक कैंप होता है उसी तरीके से नेवी विंग के कैडेट्स के लिए नो सैनिक कैंप होता है दिस कैंप इज कंडक्टेड एनुअली फॉर नवल विंग कैडेट्स बोट पुलिंग रेगाटा एंड सेलिंग कॉम्पिटिशन आर द मेन एक्टिविटीज ऑफ दिस कैंप फाइव हंड्रेड सिक्सटी कैडेट्स अटेंड द कैंप आपको समझ में आ गया होगा नेक्स्ट इज वायुसैनिक कैंप जिस तरीके से आर्मी विंग के लिए थल सैनिक कैंप होता है नेवी के लिए नौ सैनिक कैंप होता है उसी तरीके से एयरफोर्स विंग के कैडेट्स के लिए वायुसैनिक कैंप होता है दिस कैंप इज ऑर्गेनाइज फॉर एयर विंग कैडेट्स इज अटेंडेड बाई दिक्स हंड्रेड कैडेट्स फ्रॉम दी ओल्ड डायरेक्टेट्स वीएससी वायु सैनिक कैंप जनरली कंडक्टेड इन दी मंथ ऑफ अक्टूबर अक्टूबर में ये जनरली कंडक्ट किया जाता है एंड इंटर डायरेक्टेड कॉम्पिटिशन पर ट्रेनिंग टू एयर विंग ट्रेनिंग एंड हेल्ड ड्यूरिंग दिस कैंप में ना इंटर डायरेक्टेड कॉम्पिटिशन होते हैं नेक्स्ट इज रॉक क्लाइंबिंग ट्रेनिंग कैंप ये भी एक सीओ सी सेंट्री ऑर्गेनाइज कैंप होते हैं एट रॉक क्लाइंबिंग ऑफ रॉक क्लाइंबिंग एंड टू इंक्लूड स्पीड ऑफ एडवेंचर ए टोटल ऑफ वन थाउजेंड एटी कैडेट द कैंप ये जो रॉक क्लाइंबिंग ट्रेनिंग कैंप होते हैं वो हर साल एट रॉक क्लाइंबिंग कैंप कैंप्स जो होते हैं ऑर्गेनाइज किए जाते हैं कंडक्ट किए जाते हैं एनसीसी के द्वारा और इनमें लगभग एक हजार अस्सी कैडेट्स इन कैंप्स को अटेंड करते हैं इन कैंप्स में पार्टिसिपेट करते हैं नेक्स्ट इज एनुअल रिपब्लिक डे कैंप आर डी सी सबसे बड़ा कैंप जो एनसीसी का होता है दैट इज रिपब्लिक डे कैंप मैंने इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाई है तो आप टाइप कर सकते हैं रिपब्लिक डे कैंप बाय प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी तो आपको इस वीडियो वो वीडियो मिल जाएगी आसानी से नहीं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के अंदर जाके भी देख सकते हैं उसमें मैंने आर को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया और बेनिफिट्स ऑफ आर डी के क्या क्या फायदे हैं उनके बारे में मैंने बताया है तो आर की फुल फॉर्म होती है रिपब्लिक डे कैंप नेक्स्ट होता है प्राइम मिनिस्टर रैली पी रैली जिसे हम कहते हैं ये भी एक बहुत अच्छा कैंप होता है जो एन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है फिर बहुत सारी अटैचमेंट ट्रेनिंग्स होती है इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में हमारे पार्ट टू में एन के जो कैंप होते हैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा न बनाते हुए अभी के लिए इतना ही है तक के लिए आप जुड़े रहिए प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी चैनल से आपका कोई भी डाउट होता है एनसीसी से रिलेटेड नेशनल कैडेट कोर्स से रिलेटेड एनसीसी कैंप के बारे में कैसे क्या अटेंड करना है कैसे एनसीसी ज्वाइन करनी है किस तरीके से होती है क्या एलिजिबिलिटी होती है कुछ भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा उसका जवाब देने की अगर मुझे लगा कि मुझे इसकी वीडियो बनाकर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना चाहिए तो मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा आपका नाम भी मैंशन करूंगा जिसके द्वारा वो कमेंट पूछा जाएगा तो तब तक के लिए जुड़े रहिए प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी चैनल के साथ जय हिंद जय भारत नेक्स्ट वीडियो तक हमारा आप इंतजार करिए और आपका हम इंतजार करेंगे